हेलो गाइस, मैं आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि पाठ्यान अकेडमी का। जैसा कि मैंने आपको अपना नाम बताया है, मैं आकांक्षा कुमार हूँ और मैं आपका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग बहुत ही एक अलग चीज की बात करेंगे। लॉकडाउन की वजह से काफी लोग परेशान हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं घर में बैठ के, आप किस तरीके से काम को, ये जो टाइम मिला है इसको यूटिलाइज कर सकते हो, हम इन सब चीजों की बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो जल्दी जितने लोग जुड़ गए हैं वो सेशन लाइक करते जाइए और सेशन शेयर करते जाइए। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। जैसे मैंने आपको बताया, लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, लॉकडाउन की वजह से जो एंग्जाइटी है हमारे दिलो दिमाग में, हम उस चीज के बारे में यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। उस चीज के बारे में आज हम चीजें करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पूरे विश्व भर पे ये खतरा जो है वो मंडरा रहा है। काफी दिन हो चुके हैं, ये चीज नवंबर से कहीं ना कहीं चल रही थी युहान में और ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझे पता है हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में हर कोई बातें कर रहा है, बट ये क्या है, इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये जो वायरस है ये पूरी दुनिया भर पे फैल चुका है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोग घर में बंद हैं। पहली बात तो आज हम वायरस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत चीजें बहुत बातें कर चुके हैं। तो प्लीज जल्दी से सेशन लाइक करते जाओ और सेशन शेयर करते जाओ। चलिए भाई, शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए सेशन, जिससे कि हम लोग आगे सबको बता सके कि ये जो टाइम आपको मिला है, ये जो चीजें आपको मिल रही हैं, ये जो गोल्डन पीरियड आपको मिला है, इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, और ये जो एंग्जाइटी है, ये जो एंगर है, इसको आप किस तरीके से कंट्रोल में करेंगे, ये जो स्ट्रेस है। तो चलिए भाई, लॉकडाउन हो चुका है, पूरा देश लॉकडाउन है, लोग परेशान है, क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग अपने घर जाना चाहते हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं, लोग ना तो नौकरियों पे जा पा रहे, नो लोग ना कि अपने कोचिंग्स पे जा पा रहे, लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है आज तक का पूरे दुनिया भर में, और ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये लॉकडाउन होना बनता भी है। ये जो स्टेप गवर्नमेंट लेती है ये बन भी रहा है, ये चीजें बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। 11 कंट्रीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस लॉकडाउन को सपोर्ट कर रही हैं और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे, लोगों के बीच में, सब जगह यही सब चीजों की बात हो रही है कि ये जो वायरस है बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस वायरस को हमें रोकना है, इस वायरस को हमें जड़ से मिटाना है। बट उसकी वजह से क्या है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग अपने घरों में बंद हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज एक स्टेज पे हैं। भाई एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन हो गए हैं, एग्जाम आगे बढ़ गए हैं, जैसा आपको पता ही है काफी लोगों के एग्जाम्स जो है वो आगे बढ़ गए हैं, लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम पता नहीं कब के कब होंगे, ठीक है। हम लोग घरों में हैं, हम लोग घरों में बंद हैं, इस तरह की कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है लोगों की, लोग बंद हो चुके हैं घरों में, लोग परेशान हैं। बट ये सब चीज जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो कोरोना वायरस है, ये कैसी बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है, जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। तो अगर इस चेन को ब्रेक करना है तो हमें घर पे रहना ही पड़ेगा, इस लॉकडाउन को हमको क्या करना पड़ेगा, इस लॉकडाउन को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो घर पे सेफ रहिए और अपनी जिंदगियां बचाइए, अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां यहाँ पे आप बचा सकते हो केवल और केवल घर पे रह के, केवल और केवल घर पे रह के। तो चलती से भाई, चलो जी, सेशन शेयर कर दीजिए और सेशन लाइक करते जाइए, जिससे कि और बच्चों तक भी ये चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो हम शुरू करने वाले हैं, ये सारी चीजें पहुंच पाए। भाई क्या लगा था आपको कि आप घर पे रहोगे कोई काम नहीं होगा, ठीक है, आप मजे करोगे, यही लग रहा था ना सबको जब लॉकडाउन की बात हो रही थी, जब जनता कर्फ्यू हुआ, लोग इतने खुश थे, लोगों ने खूब मजे करे, आप घर पे रहोगे कोई काम नहीं रहेगा। पहले क्या होता था भाई, हम काम कर रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, हम क्या सोचते थे कि भाई लॉकडाउन अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, हम राजा बन जाएंगे, हम राजा वाली जिंदगी काटेंगे, हम घर में रहेंगे, हम रिलैक्स करेंगे, हम घर पे रहेंगे, हम जो है राजा वाली जिंदगी काटेंगे। कुछ ऐसा आपने सोचा था क्या? तो ऐसा अगर आपने सोचा था तो ये सेशन आपके लिए है, ये सेशन आप लोगों के लिए है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि कोई काम नहीं होगा, हम इंजॉय करेंगे, हम मस्ती करेंगे, हम लोग 8-8 घंटे काम करके थक गए थे, 8-8 10-10 घंटे काम करके, तो हम अब जिंदगी जो है वो मजे से काटेंगे, हम राजा वाली जिंदगी काटेंगे। हमने सोचा था हम खेलेंगे कूदेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खूब मजा आएगा,
घर पे रहेंगे, घर पे रहने वाली इच्छा होती थी। जो लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, जो लोग दूसरे शहरों में रह रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा था घर में हम लोग मजे करेंगे, ऐसे ही सोचा था क्या? आपने भी ऐसे ही सोचा था क्या? अगर आपने ऐसे सोचा था तो प्लीज हाँ लिखिए। तो अगर आपने भी ऐसे सोचा था तो प्लीज हाँ लिखिए कि भाई हाँ हमने ऐसे ही सोचा था। काफी लोगों ने भाई ऐसे ही सोचा था, घर पे रहेंगे मजा करेंगे भाई। पर हुआ क्या, स्कूल जाना बंद हो गया, कॉलेज जाना बंद हो गया, कोचिंग जाना बंद हो गया, हम मॉल नहीं जा पा रहे हैं, हम मूवीज नहीं देख पा रहे हैं, हम घर पे पड़े हुए हैं, हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे, शॉपिंग का टाइम निर्धारित हो गया है, हम बाजार नहीं जा पा रहे घूमने, ठीक है, हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, जिनको काम करने की आदत है, जैसे हम जैसे लोग जिनको ऑफिस जाने की आदत है, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, ठीक है ना, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हम कोचिंग नहीं जा पा रहे, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे, यहाँ तक कि हम अपने नेबर्स से भी नहीं मिल पा रहे, अपने फ्रेंड्स, हम लोग के फ्रेंड्स जो शायद एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर छोड़ के हमसे रहते हैं, हम उन लोगों से भी नहीं मिल पा रहे। तो अजीब सी कशमकश है, अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सी एंग्जाइटी, अजीब सा स्ट्रेस है कि क्या करना है आगे, कैसे होगा ये चीज़, अगर आगे बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। लोग अपनी जॉब की तैयारी जो कर रहे थे, आप लोग, आप जैसे बच्चे, जो लोग अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे, जो लोग पढ़ रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे, उन लोगों ने भी क्या करा भाई, रिलैक्स हो गए, पढ़ना छोड़ दिया, उन लोगों ने भी पढ़ना छोड़ दिया। देखा जाएगा बात का बाद में, जब होगा, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब देखेंगे। पर ये चीज़ गलत है। हम लोगों के अंदर जितनी एनर्जी थी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, हम लोगों के अंदर जितना उत्साह था, वो सारा क्या हो गया है, वो सारा ज़ीरो हो गया है। हम लोग इतना आगे बढ़ चुके थे, हम लोग अपनी तैयारी में कहीं यहाँ पहुँच गए थे, शीर्ष पे पहुँच गए थे, बिल्कुल हम लोग अपनी तैयारी पे बिल्कुल शीर्ष पे पहुँच गए थे। बट क्या हुआ, अब वो चीज़ जो हो गई है, अब वो ज़ीरो हो गई है, अब वो चीज़ क्या होती जा रही है, वो ज़ीरो हो गई है। ना हम पढ़ रहे हैं, ना हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी कि इस साल तो जॉब लेनी ही लेनी है, इस साल तो हमें जॉब लेनी ही लेनी है, यही बातें करी थी ना हम लोगों ने वाईफाई 2020 कोड के साथ जब हम आए थे, तब हमने यही सारी बातें करी थी। बच्चों ने बोला था हाँ मैम इस बार नौकरी लेनी है, पर वो बच्चा अब रिलैक्स बैठ गया है, वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा कि पता नहीं कब एग्जाम होंगे, कब हम चीज़ करेंगे, हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। तो अब ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को बढ़िया, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगी। अब आप क्या करते हैं पूरे दिन भर, हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, यही चीज़ कर रहे हो ना, हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, हम सोते रहते हैं। और भाई आदमी सोए भी कितना, आदमी सोए भी कितना, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम सुबह से शाम तक हम खाते रहते हैं, अपना जो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि हम खाते रहते हैं तो इसलिए हमें नींद ज़्यादा आती है, हम सोते रहते हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, हम व्हाट्सएप देखते रहते हैं, हम उल्टी सीधी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, उस पर लोग पता नहीं क्या क्या कोरोना वायरस के बारे में फैला रहे हैं। आप अलग अलग न्यूज़ चैनल पर जाओ, हम लोग अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम अपना टाइम जो है, ये जो टाइम हमें मिला है, जो तैयारी करने वाले बच्चों को टाइम मिला है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये टाइम जो गोल्डन पीरियड आपको मिला है, इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके एग्जाम जो पोस्टपोन हुए हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई, क्या सोचा था और क्या मिला, यही हालत हो रही है ना कि भाई सोचा क्या था हम लोगों ने लॉकडाउन में और क्या मिला, सोचा क्या था और क्या मिला, क्या मिला, हम लोग हैरान रह गए हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बच्चे कहते हैं कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कैसे पढ़ाई शुरू करें, इतने सारे सवाल हैं दिन में, दिल में हम क्या करना चाहते हैं, खूब सारी एंग्जाइटी, खूब सारा स्ट्रेस है, इसी तरह से दिमाग दर्द है कि भाई क्या करना चाहिए, अब आगे आगे क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, बाहर जाना है, घर पे बैठ के अकेले बैठे हुए हैं, बाहर जाना है, बाहर घूमना है, यही सारी चीज़ें हो रही है ना, अजीब सी एंग्जाइटी है दिल में, जिसकी वजह से शायद आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। तो ये आप लोगों के लिए कि कैसे आप अपने शेड्यूल को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू कर सकते हो, दोबारा फोकस होकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम 10 वेज डिस्कस करेंगे, ये जो आपके अंदर एंग्जाइटी है, ये जो आपके अंदर खालीपन है, ये जो आप कंफ्यूज हो, आप इसको किस तरीके से मैनेज करोगे। तो पहली चीज,
पहली चीज देखिएगा, सबसे पहली चीज है रिफ्रेन फ्रॉम कॉन्स्टेंट कंज्यूमिंग मीडिया। आप सब चीज चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, बट उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकालो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वहाँ पे। लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं और ये चीज़ें क्या क्रिएट कर रही हैं, हैवॉक क्रिएट कर रही हैं। मतलब हमारे दिलो दिमाग में एक असमंजस, एक कश्मकश, एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है। केवल वो चीज़ें देखनी है जो ज़रूरी है। भाई कोरोना वायरस के लिए इतनी सारी वीडियो चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो गलत हैं। आपको उन गलत चीज़ों से, आपको उन अनजेन्युइन चीज़ों से अलग रहना है। दूसरी चीज़ पढ़ने से पहले ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए, कोरोना वायरस के बारे में ह्यूमर अगर आप स्प्रेड कर रहे हो, रूमर्स, तो आपको पुलिस भी अपनी कस्टडी में ले सकती है। तो सोच समझ के जो भी चीज़ आपके पास आ रही है उसको जांचें, परखें, तब इसको जाकर आप शेयर करें। दूसरी चीज़, गॉसिप जितने भी हो रहे हैं कि भाई क्या करो, कपूर जला लो, लौंग खा लो, इन सब चीज़ों से बचें। अपने फैक्ट्स को सही तरीके से पढ़ें कि भाई जैसे आपको पता है इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो आपको उसके बारे में जानना है, समझना है। कोई भी आपको कुछ भी बता ले उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। केवल जो ट्रस्टेड सोर्स हैं, केवल उनसे बात करें, वो चीज़ें देखें, ध्यान रखिएगा। आपको गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होगा, गूगल आपको सब कुछ चीज़ें दे देगा, तो प्लीज़ जो ट्रस्टेड चीज़ें हैं उस पर आप बात करें। अपने पैशन और हॉबी को फॉलो करें। आपको खाना बनाना पसंद है, उसमें टाइम लगाएं। आपको पढ़ना पसंद है, पढ़ने पे टाइम लगाएं। नॉवेल्स ले लो, ऑनलाइन इतनी सारी नॉवेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो उन पे टाइम लगाएं। आपको कुछ गिटार बजाना पसंद है, आपको कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुने। और क्या करें यहाँ पे, आपको अगर सिंगिंग पसंद है वो करें। और दूसरी चीज़ जो हमारा लक्ष्य है, गो टू स्टडी फॉर योर एग्जाम। अपना लक्ष्य मत भूलो, अपना जो लक्ष्य है अपना टाइम टेबल बना लो, पूरा टाइम टेबल बना लो। भाई सारा टाइम टेबल किस तरीके से बनेगा टाइम टेबल, थोड़ा सा मैं आपको इलैबोरेट कर देती हूँ यहाँ पे। आप लोगों को यूट्यूब पे कितनी देर पढ़ना है उसका टाइम आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को अनअकैडमी से कब पढ़ना है इसका टाइम आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को बुक से कितनी देर पढ़ना है वो आपको टाइम पता होना चाहिए। और आप लोगों को प्रैक्टिस कितनी देर करनी है वो टाइम आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कब आप उठ रहे हो मॉर्निंग में और कब तक आप सो रहे हो, अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए नाइट तक का। और इसमें आप अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालो, इसमें आप सोशल मीडिया के लिए भी टाइम निकालो, सब चीज़ के लिए टाइम निकालो। अगर आप 2 घंटा अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो या 2 घंटा आप पढ़ रहे हो यूट्यूब पे ये चीज़, बुक से 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस का टाइम रखिए आधा आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए, आधा आधा घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस का टाइम रखना है। चौथी चीज़ हमेशा कनेक्टेड रहिए अपनी फैमिली से थ्रू फेसबुक। मतलब फैमिली जो है इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, फैमिली और फ्रेंड्स। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ बात करो, और वीडियो कॉल्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहो। क्योंकि ये जो स्ट्रेस हो रहा है ना, एंग्जाइटी इसीलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे लव्ड वन हैं हम उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप उनसे कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहोगे तो ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है ना ये बहुत कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज करो। सबके घर में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, एक्सरसाइज आपके मूड को बूस्ट कर देता है। ये जो सैड मूड है ये हैप्पी हो जाएगा, और ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप लोग हमेशा हैप्पी रहते हो। तो हमें एक्सरसाइज करनी है। होम वर्कआउट हर कोई सेलिब्रिटी डाल रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, वहाँ से देख लीजिए। ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डू एक्सरसाइज गाइज, और जल्दी से भैया सेशन लाइक कर दो और शेयर कर दो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो एंग्जाइटी है, जो स्ट्रेस है, उससे कम करने की बातें कर रहे हैं। तो प्लीज एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा लेजी हो चुके हैं इस टाइम पे, इतना ज्यादा हम लोगों का मेटाबॉलिज्म नीचे चला गया है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना जरूरी है। छठी चीज़ जो आपको ख्याल रखना है, खाने का ख्याल रखिए। विटामिन सी ज़रूर खाइए, बिकॉज ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और आई होप सब लोगों को पता होगा कोरोना वायरस उन लोगों पे कम इम्पैक्ट डाल रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो क्या करना है आपको, 3 चीज़ फॉलो करनी है। विटामिन सी ज़रूर खाना है अपनी डाइट में, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है, हाइड्रेटेड रहना है, और आपको हेल्दी डाइट खानी है जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। क्योंकि खाना जितना लाइट खाओगे
उतना ज़्यादा आपका पढ़ने में, स्टडीज़ में मन लगेगा, उतना ज़्यादा आप एक जगह बैठ के पढ़ पाओगे। पढ़ाई के लिए हाइड्रेटेड रहना, पढ़ाई के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर अगेन आपका जो शेड्यूल है, जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। तो बीमारी से बचो इस टाइम पे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, कोरोना वायरस उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए भाई आगे नेक्स्ट देखिएगा, मेंटेन हाइजीन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन बाय हेल्थ एक्सपर्ट। आपको बोला गया है सैनिटाइजर यूज करने के लिए, आपको बोला गया है अपने हाथ बार बार धोने के लिए, स्नीज करें, खांसे, छींकें तो अपने मुंह पे हाथ रख लें या टिश्यू पेपर रख लें। घर पे रहें, सेफ रहें, क्योंकि अगर आप सेफ रहोगे तो ध्यान रखिएगा कोई फियर नहीं होगा और अपनी पढ़ाई पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते रहोगे। अगर आप बीमार होगे तो ना चाहते हुए मन में सवाल आएगा, कहीं हम इन्फेक्टेड तो नहीं, कहीं हमें कुछ हो तो नहीं गया। उससे क्या होगा, पढ़ाई कहीं ना कहीं हिंडर होगी, ध्यान रखना, पढ़ाई कहीं ना कहीं बैरियर आएगा पढ़ाई में, पढ़ाई कहीं ना कहीं आपकी हिंडर हो सकती है। तो जितना आप अपने आप को सेफ रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई करने में, पढ़ाई में आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ध्यान रखिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। चलो भाई सेशन लाइक कर दो और सेशन शेयर कर दो। और ये आठवीं चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्ट्रेस में होते हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप परेशान हो, ये नॉर्मली भी जैसे पढ़ाई करते करते परेशान हो जाता है आदमी, आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, या आपसे शेड्यूल नहीं बन पा रहा, या आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको क्या करना है, वेंट आउट करना है। वेंट आउट का मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, या जो आपके परिवार में आप लोगों को सही सलाह देते हैं, उनसे जाके बात करिए। वो उससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, आप मोटिवेटेड रहते हो। तो अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको ये नहीं समझ में आ रहा आगे करना क्या है, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहे, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे जाके क्या करनी है, बात करो, कॉल कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कितनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। बट मन की बातें मन में नहीं रखनी है, मन की बातें मन में नहीं रखनी है, आपको क्या करना है, आपको लोगों से बात करनी है, लोगों को बताना है, लोगों से समझना है, लोगों से एडवाइस लेनी है, जिससे आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बना पाओ, क्योंकि जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपको सबसे अच्छी एडवाइस देते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपके शुभ चिंतक है, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको सबसे बढ़िया एडवाइस देंगे। 9th एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, केवल अच्छा सोचो, सब चीज़ अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ सही हो जाएगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, हम लोग जल्दी से बाहर निकलेंगे, हम लोग जल्दी अपने सपनों को पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचोगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। और ध्यान रखना, स्ट्रांग रहिए, चीज़ें जल्दी अच्छी होंगी, स्ट्रांग रहिए, प्रे करिए गॉड से, चीज़ें जल्दी बहुत बढ़िया हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी। हम लोग सब मिलके इस लॉकडाउन का सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं इसी उम्मीद में कि चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी। तो विश्वास से तो सब कुछ हो जाता है, विश्वास रखिए, विश्वास अगर रहेगा तो आप पढ़ भी अच्छे से पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, जो स्ट्रेस है ये भी कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए पूरा सेशन प्लान किया है मैंने, आपको क्या करना है, अपना जो टाइम स्पेंड करना है, अपना जो टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करना है, प्रोडक्टिव चीज़ों में स्पेंड करना है। अपने टारगेट को मत भूलो, मेरा टारगेट क्या है, अपने टारगेट को मत भूलिए कि मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था जॉब प्रिपरेशन। तो इस टारगेट को हमें भूलना नहीं है, इस टारगेट को हमें भूलना नहीं है। आप घर पे बैठे हो, घर पे आप पे सारी सुख सुविधाएं, आप पे इंटरनेट है, आपके पास खाना पीना अच्छी अमाउंट में, आप पे सारी लग्जरी है। तो ये जो टारगेट है मेरा, इस टारगेट को मत भूलिए और इस टारगेट को अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करना है। और हम लोगों को क्या करनी है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान कर रखी हैं, तो बस आपको उन सारी चीज़ों में हमारे साथ रहना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना है, उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है। तो सबसे पहली चीज़, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर अब तक नहीं करी है। 20,000 फ्री लाइव क्लासेस आपको यहाँ से मिल रही हैं, सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, तो आपको इन लोगों के साथ जुड़ जाना है। और
अपना जो लक्ष्य है, जो जैसे मैंने बताया जैसी लॉकडाउन खत्म होगा वैसी सारे जो पोस्टपोन्ड एग्जाम है वो सारे शुरू हो जाएंगे। अपने लक्ष्य को यहाँ पे आपको पूरा करना है, पूरा जो है उसको, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक वाइज चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये कैसे हो रही है, बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है और सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाना है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने आपके CHSL एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ था तो चैनल ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपके लिए लिया था, आपको क्रैश कोर्स शुरू किया था SSC CHSL के लिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है और यही एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ आपको, सज्जन सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं दीपक सर, और उनके साथ GK के लिए आपके अपने अमन सर हैं। तो हम चारों मिलके आपको क्या कर रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य के पास ले जा रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य को जो लक्ष्य की सीढ़ी है उस तक पहुंचने में आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद भाई, अनअकैडमी पे हम लोग अपने डेली बेसिस पे या हम ये कहें रेगुलर बेसिस पे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, जैसे कि Tier 2 के लिए तैयारी अगर आपको करनी है तो मेरा नया कोर्स 6 अप्रैल से आने वाला है, और सिमिलरली CHSL के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, CHSL के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो वो भी 6 अप्रैल से मेरी प्रैक्टिस सीरीज आ रही है। तो हम लोग कंटिन्यूसली घर पे बैठ के आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई में कोई विघ्न ना हो, आपका कोई भी स्ट्रेस ना रहे आपके जॉब को रिलेटेड। तो आपको बस हमारे साथ जुड़ना है, आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है और यूट्यूब पे हमारी जो फ्री क्लासेस हो रही हैं उन पे आपको जुड़ जाना है। और अगर आप 1-to-1 अटेंशन चाहते हो, जैसे मैंने बताया मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 6 अप्रैल से, तो आप उन पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको डाउट्स हैं कुछ, आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भाई पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी वाईफाई स्टडी स्टूडियो की टीम आपसे ये अपील करती है कि आप अपना ख्याल रखें, स्ट्रांग रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें, और ये जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है इसको आप ये 10 कदम उठा के कम करें और अपने जॉब पे, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, से रोके नहीं। लोग सोच आप रुक गए हैं, आप लोग क्या करते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि पता नहीं कब होंगे पेपर, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ना सोचो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अपनी प्रिपरेशन को सही रखो कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और आपके एग्जाम शुरू होंगे, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, चाहे वो SSC के एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, सारे एग्जाम दोबारा से इमीडिएटली रिज्यूम होंगे। तो हमको बस पढ़ाई करते रहना है, हमको बस अनअकैडमी के वाईफाई स्टडी स्टूडियो के टीम के साथ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ख्याल रखना है अपना। और जो हमारा लक्ष्य है, अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब हमारा लक्ष्य है, उसको आपको क्या करना है, पा लेना है। तो मेरी तरफ से इतना ही, सारे सजेशन मैं आपके लिए लेके आई, कैसे आप अपने लॉकडाउन वाली स्थिति को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और जो आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी चल रही है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं। आई होप मेरा सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से इतना ही भाई, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, और पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी पूरी टीम के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।